कुमार आप देख रहे हैं न्यूज पेपर। देखिए दो पार्टी आमने सामने हो गई है, विधायक तुलसी राय और यहीं राजू भाजपा के विधायक राजू सिंह। जिस तरीके से अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज होता है उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और राजू सिंह के कई ठिकानों पर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करती है। स्पेशल टीम दिल्ली हरियाणा गुड़गांव में भी छापेमारी कर रही है, तो वहीं भाजपा की एक टीम पहुँच गए DM और SSP के पास और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा के कई नेता और मंत्री ने कहा है कि उन्हें गलत आरोप में फंसाया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो जन आंदोलन किया जाएगा। यानी आमने सामने बिहार में दो पार्टी हो गई है, राजद और BJP। जिस तरीके से यह तूल पकड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच सकता है। तो वहीं BJP के कई नेता मंत्री ने बिहार पुलिस को चेतावनी भी दिया, साफ तौर से कहा है कि अगर उचित कार्रवाई और जिस तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई और जांच अगर नहीं होती है तो जन आंदोलन किया जाएगा। देखिए इस वीडियो में क्या होता है, नहीं तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे। हर चीज जो नियम कानून है जरूर उसका ये करेंगे। अब अरुण बाबू बोले और कोई राजू सिंह क्रिमिनल और आतंकवादी नहीं है। तुलसी राय ने जो आरोप लगाया है, हाँ, अरे वो तो अपने क्रिमिनल है, उसके बारे में कोर्ट में जाइए। आपको रंजन भाई जी को है का 24 केस है, वो तो अपने शुद्ध क्रिमिनल है, चोर है, क्रिमिनल है। सब दिन तो वो लूटपाट पुलिस ने मरवाया था, वहाँ जदुगो सस्पेंड भी हुआ था। देखिए आश्वासन मिला है, अब आगे क्या होता है में हो रहा है और एक तरफा हो रहा है, एक तरफा हो रहा है। सवाल उठता है कि बिंदेश्वर राम ने जो आरोप लगाया है आखिर उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, हम ये जानना चाहते हैं। SSP महोदय से भी यही बात हमने कहा है कि कार्रवाई वासुदेव राम ने, मन अगर राजू सिंह उस दिन उस तरह की कार्रवाई नहीं करता तो हो सकता था कि वहां पर 5-10 मर्डर भी हो सकता था। वो तो उसके दूसरे पहलू पर तो ध्यान नहीं दिया गया कि राजू सिंह कोई क्रिमिनल या आतंकवादी तो नहीं है, एक निहायत शरीफ लोग है, इस बात को सारा जनता जानता है। राजू सिंह मन की वन साइडेड कार्रवाई बिल्कुल गलत हो रहा है और इस तरह से मन की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल विद्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है, नहीं तो एक से एक क्रिमिनल मन की क्राइम कर रहा है, क्या कार्रवाई हो रहा है? महीनों बीत जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, एक विधायक के द्वारा उस तरह की वारदात जिसको हम गलत मानते हैं कि सही में अगर वैसी घटना हुई है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या घटना किन कारणों से हुई इसका इसको तो जानना चाहिए था, जान करके ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। भाजपा का आगे निश्चित रूप से हम लोग अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो जन आंदोलन सड़क से लेकर के सदन तक करेंगे, यहाँ से लेकर के पटना तक करेंगे। बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है, एकदम उसी प्रक्रिया में लगे ही हुए हैं, लेकिन वक्त कहाँ दिया जा रहा है, धड़ाधड़ छापा मार मारने की जैसे साधु को डाकू बनाया जा रहा है। SSP साहब ने क्या कुछ कहा, उन्होंने आश्वासन दिया है, देखिए आगे क्या होता है। कहा है कि ठीक है, हम दोनों पहलू पर ध्यान दे रहे हैं।